नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम गांव के स्वास्थ्य के प्राथमिक केंद्र में अभी हम आए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र। तो अभी यहां पे सर की ड्यूटी है, सर से पूछ लेते हैं किस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कुछ इन्होंने योजनाएँ बनाई है, किस तरीके से टैकल करेंगे, और कितनी बार सैनिटाइज हुआ है, और कितने लोगों को मास्क वगैरह वितरित किया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? ठीक है सर। सर क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं कोरोना वायरस? सर सीएचसी लेवल पे बनाई जा रही हैं योजनाएं। अच्छा, जो भी मैसेज क्या कुछ सुविधाएं मिली है गांव को? गांव में सर्वे किया जा रहा है, जैसे कोई आदमी बाहर से आया है, विदेश से आया है, उसका सर्वे किया जा रहा है। क्या कुछ रिकॉर्ड मिला है गाँव में? रिकॉर्ड गाँव में बाहर से कोई नहीं आया, विदेश से। अच्छा, हाँ। और सर जैसे सैनिटाइज वगैरह की बात करते हैं, सैनिटाइज हुआ है सर गांव? नहीं अभी नहीं हुआ। क्या कुछ कारण रहा है सैनिटाइज नहीं हुआ? आपने आगे रिक्वायरमेंट नहीं डाली या रिक्वायरमेंट डाली उन्होंने फुलफिल नहीं की? क्यों, आप पीएचसी में दवाई आ जाएंगे। अच्छा, फिर कराएंगे। कब तक? देखो अभी बात करते हैं अपने सर से। कुछ उन्होंने आइडिया? एक दिन, दो दिन, दस दिन? दो दिन में हो जाएगा। एक दो दिन में हो जाएगा। और मास्क वगैरह बांटे गए हैं कुछ? मास्क वगैरह नहीं, सिर्फ स्टाफ को अवेलेबल है, बाकी अपना दुकानों से खरीद दें। पंचायत की तरफ से कुछ एक्टिविटी आपके पास? कुछ नहीं हुई अभी। पंचायत की तरफ से कोई कुछ नहीं, सरपंच साहब के साथ मिला था मैं। क्या वो बोले पूरा सही हो गया, कोई बाहर से आएगा हम बता देंगे तुरंत। वैसे सर ये चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए ना। सर मेरे घर में आग लग गई और मैं फिर फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, वो तो तरीका ठीक नहीं ना। जब हमें पता है महामारी फैली हुई है, हमें तो पहले से एडवांस में तैयारियां रखनी चाहिए ना। इस पर क्या कुछ कहना? तैयारियां कर रहे हैं सर, जैसा प्रसाद आते हैं वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हाँ, तो शुभ नाम सर? जितेंद्र। पोस्ट क्या सर? MPSW। यहाँ पे जितेंद्र जी थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं अभी तक तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं क्या कुछ है। ये बोल रहे हैं कि अभी तक कोई केस नहीं है, केस होने के बाद ही कुछ कार्रवाई होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।